फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। आपके साथ जो बहुत ही दिल से दुश्मनी निभा रहे थे, जो आपके हेटर्स हैं, जो आपसे जेलस हैं, जो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, अब यूनिवर्स ने उन पर हमला कर दिया है। उनको सबक सिखाने की पूरी मुहिम यूनिवर्स ने चालू कर दी है। आपके साथ जो कोई भी गलत करने का इरादा रखता था, अब उसके साथ क्या यूनिवर्स कर रहा है या करने वाला है, आज की रीडिंग आइए देखते हैं इसी टॉपिक पर है। हाउ इज यूनिवर्स गोइंग टू अटैक और हाउ हैज यूनिवर्स अटैक्ड द पीपल हु वर ट्राइंग टू हार्म यू। आपको परेशान करने की जिन्होंने जिद पकड़ी हुई थी, आपको तंग करने के लिए जो बहुत बेचैन थे, देखते हैं यूनिवर्स ने आज उनके साथ क्या करने का ठान लिया है, क्या क्या सजा उनको मिलने लगी है, शुरू हो चुकी है, वो अब बच नहीं पाएंगे। डेथ कार्ड आ ही गया है, आइए देखते हैं आगे और क्या निकल कर आता है। यूनिवर्स ने भी हमला कर दिया है अब इनके ऊपर। बहुत हुआ, बहुत खेल खेल लिए थे इन लोगों ने। आपकी जो फैमिली लाइफ है, फिर वो चाहे आपके पेरेंट्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ, या आपके स्पाउस के साथ, या आपके लव पार्टनर के साथ, मतलब जो आपकी फैमिली लाइफ है, उसको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करने की कोशिश की है इन लोगों ने अपने शब्दों से, अपने एक्शन से। इन्होंने आपकी, फिर से देखिए यहां पर भी, फैमिली लाइफ को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करने की कोशिश की है इन लोगों ने। मतलब आपका जो सुकून था फैमिली का, जो एक शांति थी, एक डेवलपमेंट, तरक्की थी, वो सारी रोकने की कोशिश पूरी पूरी की है इन लोगों ने। लेकिन यूनिवर्स को अब लगने लगा कि बहुत हुआ, कितना कोई इंसान बर्दाश्त कर सकता है। हर इंसान के बर्दाश्त की एक सीमा आ ही जाती है, जो कि आपकी आ चुकी है। आपकी जो ग्रोथ है वो स्लो होने लगी। आपको समझ नहीं आता था कि आप इन, मतलब बोलते ना, घर के जो कलह कलेश हैं, उससे बचने के लिए कोई करे तो क्या करे, आपको ये बात समझ ही नहीं आती थी। आप हर वक्त यही सोचते रहते थे कि मैं क्या करूं ये सब ठीक करने के लिए। आपने एक हिम्मत ही छोड़ दी थी इन लोगों की एक्टिविटीज की वजह से। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, और आजू बाजू है फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। बीच में आता है डेथ कार्ड, बीच में आता है ये सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। आपको जो नुकसान, देखो जब कोई कोई एक्शन करके नुकसान पहुंचाता है ना, आपके पास उसका प्रूफ होता है। लेकिन जब कोई शब्दों से या अपनी एक्टिविटीज से आपको तंग करता है, परेशान करता है, आपके पास ना ही सबूत होता है दूसरों को बताने के लिए, ना ही कोई तरीका होता है कि आप कैसे दूसरों को समझाएं। ये लोग ऐसे शब्द आपके साथ यूज करते हैं जब आप अकेले में होते हैं, कि आपकी जो रग रग में, जैसे बोलते हैं ना, आग लग जाती है, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं आपके और आपके अपने लोगों के बीच में डिस्टेंस क्रिएट करने के लिए। अगर आपको इमोशनली ये तोड़ देते हैं तो इनका सारा काम अपने आप ही बनने लग जाता है, क्योंकि आप कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में आ जाते हैं, सैड स्टेट ऑफ माइंड में आ जाते हैं, एक बोर्ड या एग्जॉस्टेड स्टेट ऑफ माइंड में आ जाते हैं। फैमिली लाइफ आपकी पूरी तरह से टेन ऑफ पेंटिकल्स डिस्टर्ब करने की इन्होंने कोशिश की है। लेकिन यूनिवर्स ने अब इनको सबक सिखाने की ठान ली है। इनकी जो हेल्थ है वो और भी डिटोरिएट होने लगी है। इनकी, इनको जो हेल्थ इश्यूज है ना, ऐसे लोगों को आ ही जाते हैं, क्योंकि ये कार्मिक है। जब कोई आपको तंग करता है, और ज्यादा से ज्यादा इनके हेल्थ इश्यूज इनके माइंड में आ रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर लाइट कहाँ आ रही है, ब्रेन हेड के ऊपर। इनके जो हेल्थ इश्यूज है, इमोशनल हेल्थ इश्यू है, बुरी तरह से सफर कर रहे हैं। इनको हार्ट में भी कोई इश्यू डेवलप होने लगा है। अब इनको बोलने में डर लगता है। अब इनको लगता है मैं कुछ बोलूंगा या बोलूंगी तो पता नहीं लोग इसका क्या मतलब निकालेंगे।
जो ये दूसरों के पीछे बैक बिचिंग करते हैं, दूसरों के पीछे बुरा बुरा बोलते हैं, अब इनको यही डर सताता रहता है कि कोई इनके बारे में तो ऐसा नहीं कर रहा, और ये सोच सोच कर ये परेशान होते रहते हैं। ये आपसे इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे, आपके आसपास से के लोगों से इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे कि आपको कहीं इनके बारे में पता तो नहीं चल गया कि ये आपके बारे में क्या बोलते रहते हैं, पीछे से लोगों को क्या बोलते रहते हैं, ये बात का डर इनको लगने लगा है। आइए देखते हैं और कार्ड्स निकाल के। इनको लगता है अब इनकी रिकवरी इम्पॉसिबल है लाइफ में। ये ऐसे इमोशनल हेल्थ को लेकर जूझ रहे हैं, छटपटा रहे हैं, डॉक्टरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन इनकी रिकवरी का कोई रास्ता नहीं निकल रहा। और ये हर किसी से इंफॉर्मेशन निकालते रहते हैं कि उनकी बात लोगों को पता तो नहीं चल गई, लोगों को समझ तो नहीं आ गया कि ये पीछे से ऐसी हरकतें करते रहे हैं। जजमेंट कार्ड, वेरी नाइस। डेथ और जजमेंट कार्ड, मतलब इनकी तो बैंड बजी हुई है इस वक्त। यूनिवर्स ने इनको ऐसे बर्डन में डाल दिया है, ऐसा लंबा लिटा दिया है। देखो आप, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, बर्डन इनके ऊपर, इमोशनल फिजिकल हेल्थ इश्यूज इतने ज्यादा इनके लाइफ में क्रिएट होने लगे हैं। पहले ही मैंने बताया था, इनको बोलने से डर लगने लगा है, सोचने से डर लगने लगा है। इनको लगता है इनकी बात कोई दूसरों को बता देता है कि इसके बारे में बैक बिचिंग करते हैं। होते हैं कई लोग, पीछे से पहले बोल तो देते हैं, रूमर्स फैला तो देते हैं, बदनामियां कर तो देते हैं अपने आसपास के लोगों की, लेकिन फिर इनको डर सताने लगता है, कई लोगों को पता तो नहीं चलने लगा है। वैसे इनकी एक शातिरता ये है कि ये वर्ड्स, मतलब लिखने में कोई प्रूफ नहीं छोड़ते, लिखेंगे तो अच्छा, लेकिन जब बोलेंगे ना आपको अकेले में तो बहुत बुरा। लेकिन ये आदत इनकी सिर्फ आपके साथ नहीं है, ये औरों के साथ भी ऐसा ही करते हैं। तो जजमेंट कार्ड और जो डेथ कार्ड का कॉम्बिनेशन है, बहुत जल्द कुछ लोगों को तो ऑलरेडी ये सजा शुरू हो चुकी है, उनकी इमोशनल हेल्थ रुइन हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है, ब्रांड बच चुकी है इनकी, और कुछ ऑन द वे हैं। आपको अभी उनको देखकर लग रहा है ऐसा तो कुछ नहीं है, वो तो अच्छे खासे आपको लग रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हैं, उनका सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन नहीं, बहुत जल्द इनको रेस्टिंग मोड और वर्डन मोड में डालने वाले हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स, उनके पैसे वो ऐसे पकड़ के रखेंगे अभी, क्योंकि उनके पास इनकम जनरेट होगी ही नहीं, एक्सपेंडिचर बढ़ रहे हैं और इनकम हो नहीं रही है, पैसा अटक रहा है इन लोगों का। इस तरह से जब इमोशनल हेल्थ खराब होती है ना किसी इंसान की, तो उसकी फाइनेंशियल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सब कुछ धीरे धीरे खराब होने लग जाता है। तो अभी आपको लग रहा है ये बहुत एंजॉय कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, बहुत हिम्मत वाले लग रहे हैं, बहुत ही शानदार लग रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, इनकी बोलती बंद हो रही है। कई केसेस में तो हो चुकी है, कई केसेस में जैसे कि मैंने बताया इट्स ऑन द वे। तो आपको ये सोच के बिल्कुल परेशान नहीं होना है कि आपने जो प्रेयर्स की थी यूनिवर्स को, अपने एंसेस्टर्स को, उसका कोई जवाब नहीं मिल रहा है, जवाब मिलना शुरू हो गया है। बहुत से केसेस में तो आपको पता ही होगा कि आपको जस्टिस मिलने लगी है, कई केसेस में अभी थोड़ा वक्त बाकी है, लेकिन बहुत जल्द आपको जस्टिस मिलने वाली है। इन लोगों की ऐसी की तैसी होने वाली है और बैंड बजने वाली है, यूनिवर्स ने हमला करना शुरू कर दिया है जो आपको परेशान करते थे। जजमेंट कार्ड, डेथ कार्ड, बुरी तरह से मैजिशियन कार्ड, आपको यूनिवर्स एक मैजिशियन की एनर्जी में ला रही है, आपको हिम्मत वाला बना रही है, आपको इतनी ताकत दे रही है कि आपके अंदर वो हिम्मत आ चुकी है कि आप इनको बर्दाश्त कर पा रहे हैं। बहुत ये लोग अजीब होते हैं जो आपकी सुखमय जिंदगी को आग लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने कहा, अब आपको इससे घबराने की तो जरूरत है ही नहीं। ऑलरेडी यूनिवर्स हैज स्टार्टेड इट्स गेम, ऑलरेडी यूनिवर्स हैज स्टार्टेड इट्स प्लान, इंप्लीमेंटिंग इट्स प्लान। इन लोगों को ऐसा सबक सिखाया जा रहा है कि इनकी आने वाली पीढ़ियां याद रखने वाली है। तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। आइए कुछ और कार्ड्स भी निकाल के देखते हैं क्या क्या एनर्जीज आ रही है, किस तरह से यूनिवर्स इन पर हमला करना शुरू कर दिया है। ये फोर कार्ड्स मैंने अभी निकाले हैं। आपको इतना एसर्टिव कर रहा है यूनिवर्स, आपको मतलब एक अंदर से ही जोश और एक
उन्माद से भर रहा है कि अब आपको इनसे लड़ने में डर नहीं लगता। आप देखेंगे पहले आप इनसे घबरा जाते थे, तो आपकी हिम्मत भी इनके ऊपर हमला है। आपने अपनी डायरेक्शन इनसे अलग कर दी है, अब आप इनकी बातों में नहीं आते, आप इनको जो कहना है करना है करने देते हैं, क्योंकि आपको पता है यूनिवर्स आपके साथ है, आपके एंजल्स आपके साथ है। आस्क योर एंजल्स, हैप्पी चेंजेस फॉर यू। फ्रेंड्स एक बात हमेशा याद रखना, जब हम गुस्से या बदले की आग में चलते हैं, जब कोई हमें बहुत तंग करता है, तो हमारे दिल से क्या निकलता है, इसका ये हो जाए, इसका वो हो जाए, उसका बुरा हो जाए। उसका बुरा तो होना ही है, अगर आप नहीं भी कहेंगे तब भी उसका बुरा होना है, लेकिन आप उसमें यह भूल जाते हैं कि आपका अच्छा होना चाहिए। इंसान बदले की आग में दूसरे का बुरा ही मांगता रहता है ऊपर वाले से, ये कहना भूल जाता है मेरा भला करना शुरू कर दे। तो आपके एंजल्स और एंसेस्टर्स और यूनिवर्स तो ये बात समझते हैं कि उनका तो बुरा करना ही है, उनको तो सबक सिखाना है, उनपे तो हमला करना ही है, लेकिन आपको साथ साथ ताकतवर बनाना है। आपकी लाइफ के हैप्पीनेस, आपकी लाइफ में आपके एंजल्स की ब्लेसिंग्स, आपकी नई दिशा, आपका ये जो एसर्शन है, अब आप जिस तरह से उनके सामने डट के खड़े खड़े हो जाते हैं, मुकाबला करते हैं, ये भी उनके ऊपर हमला ही है जिसको आपने अब तक पहचाना नहीं है। आप जो ये कर रहे हैं ना, ये कहीं से नहीं, ये ऊपर से यूनिवर्स से आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है, ताकि आप इन लोगों पे डट के इनके ऊपर खड़े हो जाए, इनके सामने खड़े हो जाए। हर तरह से इनको एक तो मात मिल ही गई है, इनकी मात तो पक्की है, निश्चित है, ऊपर से आपकी जो बढ़ती हुई ताकत और हिम्मत है वो तो इन्हें और भी तोड़ रही है। तो सबसे बड़ा हमला तो उन पर यही है जो यूनिवर्स कर रही है, कि आपको साथ साथ इतना स्ट्रांग बना रही है और उनको कमजोर करती जा रही है यूनिवर्स। तो जिन जिन लोगों ने आपसे दुश्मनी निभाई, जिन जिन लोगों ने आपको परेशान किया और ये भी सोचा कि कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि जब आप परेशानी में थे आप शायद इतना उनके सामने स्टैंड नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि आप डर चुके थे। थोड़ा बहुत लाजमी होता है कि कई बार आप घबरा जाते हैं ऐसे लोगों से, ऐसे सिचुएशन से, लेकिन आपको ये नहीं समझ आ रहा है कि अचानक आप में ऐसी हिम्मत आई कहां से, तो ये यूनिवर्स से ही आई है। यूनिवर्स डबल तरीके से उन पर हमला कर रहा है, उनकी हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ को, फिजिकल हेल्थ को खत्म कर ही रहा है यूनिवर्स, और आप में हिम्मत और उमंग और उत्साह भर रहा है। तो इस तरह से डबल तरीके से आप इन पे वार कर रहे हैं और आपको पता भी नहीं है। आज ये रीडिंग देखने के बाद आपको ये रियलाइज हो ही चुका होगा कि यूनिवर्स ने आपके हिस्से का बदला कितनी खूबसूरती से इन लोगों से लिया है। तो फ्रेंड्स आज का एफर्मेशन रहेगा, आई एम हैप्पी विद द जजमेंट ऑफ माई यूनिवर्स, आई एम हैप्पी विद द रिजल्ट्स दैट माई यूनिवर्स इज गिविंग मी। जो भी जजमेंट यूनिवर्स ने आपके लिए तय किया है आप उससे बहुत खुश हैं, जो भी फैसला यूनिवर्स ने आपके लिए किया है, डिसीजन लिया है, उससे आप खुश हैं। कुछ नहीं तो आई क्लेम दिस एनर्जी, आई क्लेम दिस रीडिंग, उससे बिकम अ सिंपल सा यस। और फ्रेंड्स बहुत बहुत थैंक्स कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को इतना प्यार देते हैं, इतनी रिस्पेक्ट और सम्मान देते हैं, उसके लिए बहुत सारा ग्रेटिट्यूड। एंड फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कौन है ये आपके दुश्मन, और किस किस तरह से आप देख रहे हैं कि इन पर यूनिवर्स ने हमला किया है।